आत्माने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ षष्ठो अध्याय। अब विशेष जीते हुए चित्त के लक्षण क्या है? यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर जाती है, उसमें कंपन नहीं होता, यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है। अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाता है, यदि वायु में वेग न हो। यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले ही जीता गया है, निरोध हो गया है, किंतु अभी चित्त है। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, तब कौन सी विभूति मिलती है? देखें। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जिस अवस्था में योग के अभ्यास से बिना अभ्यास के कभी निरोध नहीं होगा, अतः योग अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त भी उपराम हो जाता है, विलय हो जाता है, मिट जाता है। उस अवस्था में आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा, आत्मानम परमात्मा को देखता हुआ, आत्मनि एव अपने आत्मा में ही संतुष्ट, अपनी ही आत्मा से होता है। क्योंकि प्राप्ति काल में तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किंतु दूसरे ही क्षण वो अपने ही आत्मा को उन शाश्वत ईश्वरी विभूतियों से ओतप्रोत पाता है। ब्रह्म अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है। तो इधर आत्मा भी अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और अमृत स्वरूप है तो, किंतु अचिंत्य भी है। जब तक चित्त और चित्त की लहर है, तब तक वो आपके उपभोग के लिए नहीं है। चित्त का निरोध और निरुद्ध चित्त के विलय काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और दर्शन के ठीक दूसरे क्षण उन्हीं ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त ही अपने आत्मा को पाता है। इसलिए वो अपने ही आत्मा में संतुष्ट होता है। यही उसका स्वरूप है, यही पराकाष्ठा है। इसी का पूरक अगला श्लोक देखें। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है। तथा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। इस प्रकार तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं उसके मिलन का नाम योग है। वो योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए, तदनंतर वो धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लग कर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इस पर योगेश्वर कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ही निरोध करे। प्रायः लोग कहते हैं कि मन जहां भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा, और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहां जहां जाए, जिन माध्यम से जाए, उन्हीं माध्यम से रोक कर परमात्मा में ही लगावे। मन का निरोध संभव है। इस निरोध का परिणाम क्या होगा? प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वो ब्रह्म संस्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला
सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस प्रकार देखने से लाभ क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। ये प्रेरक का आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, सामीप्य मुक्ति है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष अनेकता से परे उपर्युक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वो योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं। उसका तो सब मिट गया, इसलिए वो अब उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख भी सब में समान देखता है, वो योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, परम श्रेष्ठ माना गया है। प्रश्न पूरा हुआ। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया।